एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। कैसा एक्सपेरिमेंट प्रोफेसर धूमकेतु? इस लेजर गन को देखो, ये है मेरा इधर से उधर यंत्र। इस यंत्र से मैं किसी भी चीज को दूसरी जगह पे भेज सकता हूँ। इस यंत्र ने तो आपका घर भी गायब कर दिया। ये यंत्र तो किसी चीज को गायब नहीं करता। सही कहा भीम, मैंने अपना घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पहुँचा दिया है। इतने सारे लड्डू। मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। ये क्या? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? तुम इतना सारा सामान जंगल में कैसे लाए? हम नहीं बताएंगे कि हमारे पास एक इधर से उधर यंत्र है। कोई इधर से उधर यंत्र छुपा नहीं है पेड़ के पीछे। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। ये तो भागमपुर की सेना है। ये कभी हमारे सामने युद्ध नहीं जीत पाए और आज इनकी ये मजाल कि हमारे महल में घुस गए। लगता है ये उसी यंत्र की सहायता से अंदर आए हैं। मैं अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। आक्रमण! तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? खोलो खोलो, पहले खोलो तो सही। वाह वाह वाह, सुबह सुबह चॉकलेट। बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे पर सुनो तो, पता नहीं कौन अरे कालिया, ये तुम्हारा मुंह क्यों भूरा पड़ने लगा? भीम, तुम्हारा भी चॉकलेट। हम सब चॉकलेट के बन गए। चीटियां! हम अभी चाचा के पास चलते हैं, वो अब
अपने किसी आविष्कार से हमारी मदद जरूर कर पाएंगे। हम में से चॉकलेट की तेज खुशबू आ रही है, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। दरवाजा खोलिए। कौन है? बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं, उस समय में जब ये गुमनाम चॉकलेट्स तुम्हारे दरवाजे पर रखे गए थे। चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, पर मुझे मिलावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे चॉकलेट का वार नहीं तो क्या हुआ? तो मेरी बबल गम का वार ही सही। पार ले जाकर हमेशा के लिए अपना दास बना दूंगी। बच्चे, अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। इस भारी बस्ते को उठाने में ये लड़का थक जाएगा।
और आसानी से मैं इसे ले जाऊंगी। दोस्त को वापस होश में ला। क्या करोगे बच्चे? इस पेड़ की गोंद से उसके हाथों को चिपकाना पड़ेगा। चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू। कितनी बढ़िया साइकिल है, टायर और लाइट तो देखो, देखो तो भी कितनी सुंदर है। राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। राजू कहाँ है? अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गाँव पहुँच जाऊँ फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। नाग भी कभी बोलते हैं? इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। हाथी का सर तो है पर शरीर शेर का। छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तुम मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये बात है तो ये लो। कहाँ गया? राजू, राजू, तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा था। गोलगप्पा खाने वाला? चाट स्टॉल पास ही है, चलो जल्दी चलो सर। वो बाला, देखो उस गोलगप्पे में से दो बाल उगे हुए हैं। वही अपना राजू है। देखो बस ये वाला गोलगप्पा छोड़ दो। ए, क्यों छोड़ दूं? मुझे वही वाला गोलगप्पा डाल। पर वार कुछ नहीं,
राजू को गोल गप्पे से वापस राजू बनाओ। गलत हो गया फिर से। फिर गलत हो गया। पूरा ध्यान लगा कर करता हूँ। सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघे फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। ए भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघिया। सबके लिए है कंघिया, कंघिया ही कंघिया। अरे सबके लिए है कंघिया, कंघिया हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघिया है। सबके लिए कंघिया। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघिया कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघिया। सबके लिए है कंघिया। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है, उसके पास अलग अलग तरह की कंघिया हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघिया। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम देखो, मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है, अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। हाँ कालिया, क्या हुआ? सो गया मामा। हम उठाएंगे मामा को। मामा ऐसे सोए कैसे? भीम, 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 मैं बताता हूँ। जंगल में खबर है कि होलकपुर आ रहे थे और दो चोरों ने मामा पर हमला कर दिया। चलो कालिया, उनको मजा चखाएं। तुम दोनों ने मामा को सुलाया, अब तुम दोनों ही उठाओगे।
ये मामा को उठा देगा। ले सकते हो तो ले लो लड़के। कालिया को मेले में ले जाऊंगा। वो है कहाँ? सो गया कालिया। तुम्हारी ये हालत की किसने? मुर्गा। मुर्गा? कालिया तुमने कोई सपना देखा होगा। मुर्गा और कालिया को? मुर्गा उसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। हमारा दोस्त छोटा सा प्यारा सा मुर्गा है। मैं या मुर्गा, चुन लो। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को
चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है ठीक है, अब बताओगे नी? राजू और जग्गू चोर है और चुटकी और डोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे चार गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ, वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ, मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया, कालिया कभी हारता है क्या? लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद, आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा, तुम सच्ची तो कह रहे हो, भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, पर अपना सपना तो बताओ। मुझे पूरे ढोलकपुर में भीम की तरह सबका चहेता बनना है। जैसा तुम कहो। तुम्हें और भूख लगी है तो लड्डू भी ले लो। ये लो, मेरी तरफ से भी ये लड्डू खाओ कालिया। जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाएं। जब ये सब लड़ेंगे तब मैं इन सब पर राज करूंगा। अब जैसा तुम सब कहो। मैं राजा बन गया, असली राजा मैं हूँ। खजाना तो मेरे पास है, राजा भी मैं ही हूँ। मेरा है। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखो, हाँ।
लगता है मेरा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा।